खबर आ रही है महाराष्ट्र से, उसका रुख कर लेते हैं। अनिल देशमुख को लेकर ये खबर आ रही है। अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है अनिल देशमुख को। ईडी ने कस्टडी मांगी थी, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो मुंबई के पूर्व गृह मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बड़ी जानकारी आ रही है, 1 नवंबर को गिरफ्तार किए गए थे अनिल देशमुख, मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ईडी ने कस्टडी मांगी थी, जिसके बाद अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुंबई से बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में आज पेश किया गया और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 1 नवंबर को अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है अनिल देशमुख। ईडी ने कस्टडी की मांग की थी, जिसके बाद 6 नवंबर तक देशमुख को ईडी की कस्टडी में भेजा गया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया। चलिए, इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको